जंग में एक तरफ जहां यूक्रेन पिछड़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस एक के बाद एक नए नए हथियार ईजाद कर रहा है, जो यूक्रेनी सेना के लिए गले की फांस बने हुए हैं। अब रूसी सेना ने यूक्रेनी टैंक्स का एक ऐसा काल बना लिया है जो दिन हो या फिर रात कभी भी उन पर हमला कर सकता है। दरअसल रूस के रक्षा मंत्रालय ने केमोव के 52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर का एक वीडियो जारी किया है जो रात के अंधेरे में उड़ान भर रहा है, और इसी दौरान यह हेलीकॉप्टर एक यूक्रेनी टैंक को उड़ा देता है। यूक्रेन को जहां विदेशों से मिलने वाले नाइट विजन उपकरणों की वजह से रूसी सेना पर रात में हमला करने में मदद मिलती है, वहीं इसके उलट रूस ने रात में हमला करने के लिए इस तरह के हेलीकॉप्टर्स को विकसित कर यूक्रेन को टक्कर दी है। और बड़ी बात यह है कि ये हेलीकॉप्टर घरेलू स्तर पर निर्मित है और इसमें विदेशी हार्डवेयर नहीं लगा है। आपको बता दें कि रूस के इस एलिगेटर हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में उसे काफी चोट पहुंचाई है, और बड़ी बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर को दुबई एयरो शो में भी प्रदर्शित किया गया है, और पश्चिमी देशों में इस हेलीकॉप्टर की क्षमताओं को जानने की एक बड़ी जिज्ञासा भी है। और रूस ने जो वीडियो जारी किया है उसमें साफ देखा जा सकता है कि पायलट कंट्रोल पैनल में एक बटन दबाता है, इसके बाद एक थर्मल व्यू में एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम आता है, और इसके बाद एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM जमीन पर एक टारगेट पर हमला करने के लिए फायर हो जाती है, जिसके बाद टैंक में एक बड़ा धमाका होता है। हालांकि इस धमाके में टैंक बचा या फिर उसके परखच्चे उड़ गए, ये बात अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन धमाके की तीव्रता से माना जा सकता है कि टैंक शायद ही इस हमले से बचा हो। रूस का यह हेलीकॉप्टर आधुनिक वेरिएंट है, और इस हेलीकॉप्टर में रात में लड़ने की क्षमता को बढ़ाया गया है। इसमें GOES-451M इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को हेलीकॉप्टर की नोज के नीचे लगाया गया है जो लंबी दूरी तक देख सकता है। रूस की न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक इसमें टारगेट को थर्मल इमेजिंग से पता लगाने और पहचानने की तकनीक को बढ़ाया गया है जो पहले के मुकाबले दोगुना हो चुकी है। इस साल अक्टूबर 2023 में आरआईएन नोवोत्स्की ने कहा था कि इस हेलीकॉप्टर में सेंटीमीटर रेंज में चलने वाला एक वेंट्रल ऑल अराउंड रडार स्टेशन भी लगेगा। ये स्टेशन हेलीकॉप्टर को दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, बख्तरबंद वाहन, तोपखाने की स्थिति, जनशक्ति और अन्य सैन्य कर्मियों के इकट्ठा होने का पता लगाने में मदद करेगा। इसके अलावा ये जमीनी टारगेट की विस्तृत जानकारी का पता लगाने में भी मदद करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हेलीकॉप्टर हर मौसम में 24 घंटे टोही करने और शक्तिशाली प्राकृतिक और आर्टिफिशियल रेडियो इंटरवेंशन की हालत में भी टारगेट का पता लगा सकता है।